आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। जबलपुर से दर्दनाक सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। पनागर थाना के जबलपुर कटनी बाईपास में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पनागर बाईपास के पास एक खड़े ट्रक से एम्बुलेंस जा भिड़ी। मृतक उमरिया जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उमरिया जिले के इंडबार गांव से जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस में गर्भवती महिला को जबलपुर मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा था। एम्बुलेंस वहां खड़े एक ट्रक से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में गर्भवती महिला, उसके पति और सास की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक कटनी जबलपुर हाईवे पर ट्रक MP04HE6135 को काला करने के बाद चालक कहीं चला गया था। इसी दौरान इंदवार गांव जिला उमरिया निवासी कुछ लोग एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस MP34D2786 में लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार कराने ले जा रहे थे, तभी पनागर बाईपास में सड़क किनारे खड़े ट्रक से एम्बुलेंस की सीधी भिड़त हो गई। ट्रक के पिछले हिस्से में घुसी एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद इतनी तेज आवाज आई कि हाईवे पर काफी दूर तक लोग सहम गए। घायलों में गीता पति लालमन रावत 40 वर्ष, राजकुमार पिता लालमन रावत 29 वर्ष, रेखा बाई पति राजकुमार रावत 29 वर्ष शामिल है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।